ओके दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ कि सोलर पैनल को किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। यह आप देख सकते हैं, जो टावर है यहाँ पर ईस्ट की डायरेक्शन है, मीन्स यहाँ से सूरज निकलता है, इसलिए ये ईस्ट की डायरेक्शन है। ये वेस्ट की डायरेक्शन है, ये जो आप टैब देख रहे हैं टंकी, ये वेस्ट में है। और ये नॉर्थ मीन्स उत्तर, ये फ्लैग जो देख रहे हैं आप नॉर्थ यानी उत्तर में है, उत्तर दिशा में है। और ये जो आप देख रहे हैं एरिया, ये साउथ मीन्स दक्षिण की दिशा है। अभी दोस्तों मैं आप लोग को समझाता हूँ। अभी जो मैंने पैनल रख रखा है वो इस तरीके से रख रखा है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ईस्ट और साउथ और वेस्ट, इन सब से जो सूरज हमारा होकर के आता है तो सूरज की सनलाइट इस पर प्रॉपर पड़ सके, ठीक है। अभी इसको टिल्ट भी मैं कर सकता था, एक एंगल पर रख सकता था, लेकिन उसकी मुझे खास ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईस्ट मीन्स पूरब है, जहाँ से सूरज निकलता है। तो सूरज किस तरीके से निकलेगा कि ये देखिए, इस तरीके से सूरज निकलता हुआ और ये हमारा पश्चिम यानी वेस्ट में सूरज यहाँ पर चला जाता है। तो जितना भी ये पाथ कवर कर रहा है सूरज सन, तो इस पूरे पाथ से हमें पूरी लाइट यानी सनलाइट सूरज से मिल रही है, ठीक है। आप समझ सकते हैं इस बात को, यहाँ से सूरज एग्जैक्टली निकलता है और इस तरीके से ईस्ट से लेके वेस्ट तक यानी पश्चिम तक यहाँ पर आकर सूरज ढलता है। तो इस पूरे चक्र में, पूरे क्रम में हमें यहाँ पर सनलाइट सोलर पैनल पर मिल जाती है। इस तरीके से यहाँ सोलर पैनल को मैंने रखा है। तो हमेशा ध्यान रखें, सोलर पैनल को दक्षिण मीन्स साउथ की डायरेक्शन में फेस करके ही रखना चाहिए। इसका एक पर्टिकुलर एंगल भी होता है, अगर आप एंगल पर ना जाएं तो आप इसको सीधे से बिल्कुल फ्लैट ना रख करके हल्का सा साउथ यानी दक्षिण की दिशा में फेस करके रख दें, आपको बहुत अच्छी पैनल से एफिशिएंसी मिलेगी। लगभग से लगभग 10-11 घंटे आप लोग को यहाँ पर धूप मिलने वाली दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप लोग का इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों।